नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जूनियर टेक्नीशियन की एक और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कौन कौन इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इस वैकेंसी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। तो गाइस, इसी वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, कंप्लीट डिटेल्स इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ITI से रिलेटेड सभी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा आयोजित होने वाले ITI जॉब प्लेसमेंट की रेगुलर अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे स्क्रीन पे गाइस, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हो, ये जारी किया गया है SPMCIL। SPMCIL का फुल फॉर्म है गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है गाइस, जिसके अंतर्गत आप लोगों की परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो है इस जॉब वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 23 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 अप्रैल 2024 तक जो है आप लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट यहाँ पे गिवन है गाइस, IGM कोलकाता, ठीक है, .SPMCIL.com। इस वेबसाइट पे जाके जो है आप लोग इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो गाइस। इसके बाद में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। ऑनलाइन आवेदन जो है 23 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक। पेमेंट जो है वो भी आप लोग इसी डेट के अंतर्गत कर सकते हो। हाँ, इसका एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा और June-July 2024 यानी जल्द ही जो है आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे गिवन है। इसके बाद में देखो गाइस, नेक्स्ट जो है पोस्ट कितनी रहने वाली है। तो पोस्ट यहाँ पे देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सबसे पहले ये जो S1 नंबर 01 जो पोस्ट है ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ITI कैंडिडेट्स के लिए जो है 2nd नंबर की पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन बर्नरशिप, ठीक है, ये जो है ITI कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट इसमें जो है 6 है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 5 पोस्ट है और OBC कैटेगरी की यहाँ पे 1 पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि ST SC वाले आवेदन नहीं कर सकते, सभी कैंडिडेट्स PWBD जो कैटेगरी है, ST SC कैटेगरी है, OBC जनरल, सभी आवेदन कर पाएंगे, बट यहाँ पे रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं मिलेगा। गाइज, आगे देखिए, यहाँ पे आपकी सैलरी जो है बहुत ही बढ़िया सैलरी रहने वाली है। अभी मैंने आपको बताया था मिनी रत्न कंपनी है, तो ऑब्वियसली देखो यार, सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी 18,780 से 67,390 रुपये तक ITI कैंडिडेट्स को सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 वर्ष है, बट अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा OBC कैटेगरी ST SC कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। कितने ईयर का मिलेगा वो मैं आप भी आपको नेक्स्ट जो है इसी नोटिफिकेशन में हम देखेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा। हाँ, कौन कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे गिवन है कि गोल्ड स्मिथ ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स, या फिर देखो समझना, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन गोल्ड स्मिथ ट्रेड फ्रॉम NCVT SCVT, या फिर इसके अलावा ITI इन एनी ट्रेड, 10th हो प्लस ITI हो, किसी भी ट्रेड में वो अप्लाई कर सकता है। बट उसके पास में जो है क्या होना चाहिए, उसके साथ ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज बेस्ड ऑन मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल्स MES इन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर रिकग्नाइज बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से MES से जो है उसका शॉर्ट टर्म एक कोर्स होना चाहिए और ITI होना चाहिए। तो ITI किसी भी ट्रेड में हो वो अप्लाई कर पाएगा, बट शर्त यह है कि उसके साथ ही उसके पास में क्या होना चाहिए, MES से जो है एक जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर कोर्स जो है, ट्रेनिंग कोर्स वो होना चाहिए।
इसके अलावा जो है ITI 2 ईयर कोर्स इन गोल्ड स्मिथ ट्रेड अंडर द नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी। नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर अगर गोल्ड स्मिथ ट्रेड से ITI का कोर्स कर रखा है 2 साल का, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है गाइज। इसके अलावा ITI कैंडिडेट्स के लिए देखिए एक जो है पोस्ट और अवेलेबल है, वो है लैब असिस्टेंट लेवल W1 की। ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट अवेलेबल है और यहाँ पे फुल टाइम सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट में जो है ITI मांगा गया है। वही एज क्राइटेरिया सेम है, ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, दोनों इन सभी पोस्ट के लिए जो है ऑनलाइन एग्जाम ही रहने वाला है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ST SC कैंडिडेट्स को 5 साल का आयु सीमा में छूट मिलेगा और जो OBC कैंडिडेट्स उनको 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स उनको 10 साल का आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। राइट, फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ₹600 है और ST SC कैटेगरीज के लिए केवल और केवल ₹200 यहाँ पे फीस लगने वाली है। राइट, इसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा केवल ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो सेकंड नंबर की जो पोस्ट थी वो ITI कैंडिडेट्स के लिए है। ITI कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट थी जूनियर टेक्नीशियन की। जूनियर टेक्नीशियन में देखो आपके जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतने इनके मार्क्स होंगे, तो 100 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपका ट्रेड का जो नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, GK के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा, 2 भाषाओं में आएगा। ठीक है, 5 ऑप्शंस होंगे और 9 पेनल्टी मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं रहने वाली। तो दोस्तों गोल्डन चांस है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो जरूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। 120 मिनट 100 क्वेश्चन आपके पास में रहेंगे और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो ये एग्जाम पैटर्न रहेगा सेकेंड वाली जो पोस्ट थी उसके लिए। इसके बाद में देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे मांगे गए, 55% जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 50% और SC ST कैटेगरी के लिए 45% मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो लाना कंपलसरी रहेगा गाइज। इसके बाद में जो पोस्ट सीरियल नंबर 3 था उसके लिए भी देखिए ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, 125 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन वही आपसे पूछे जाएंगे, 50 तो जो है लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट से रिलेटेड आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 15 क्वेश्चन GK के आएंगे, 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10, वही 5 ऑप्शन आएंगे और 9 पेनल्टी होगी मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं रहने वाली। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जाइए वेबसाइट पे और ऑनलाइन आवेदन इस वैकेंसी के लिए ज़रूर कीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कई कैंडिडेट्स को जो है लगता है कि यार पोस्ट कम है, ऐसा सोचकर जो है वो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, जो भी एलिजिबल है वो ज़रूर आवेदन करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए रेगुलर आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।